चलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हरीश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूं मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है बहुत ही शानदार तरीके से तो मेरे सभी छोटे भाई बहन जल्दी से जुड़िएगा आप जानते हैं साथियों कि आज यहाँ पे बड़ी एक सुंदर सी न्यूज आई है सुनने में कि एल की जो वैकेंसी वो आउट हो चुकी है और कल देखिए साथियों इसका जो ऑफिशियल उफी, नोटिफिकेशन वो आ जाएगा अभी आपके प्यारे साहिल सर ने इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी है तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप जिस जिस वैकेंसी का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी फाइनली आपके हाथों में है तब से बोल रहे थे हम बोल रहे थे ना बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तब तो, तो माने नहीं अब एकदम से वैकेंसी आउट हो गई है तो भैया भैया याद आ रहे हैं अब मैं पहले कह रहा हूं देखिए साथियों वैकेंसी कम ज्यादा नहीं होती वैकेंसी बेटा बढ़ेगी टेंशन मतलब मैटर करता है कि चीजें आई है और शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आपको सब चीजें मिलने वाली है टेंशन देखो बेटा मेरा काम अभी पढ़ाने का है क्योंकि ये क्लास बेटा हमारी एप्लीकेशन वाली क्लास है एप्लीकेशन वाली क्लासेस पे पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद आपकी सारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे समय की नहीं आया छोटी बातें देखो बेटा हमारी जिम्मेदारियां होती है और अभी मेरी इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी है वो आपको पढ़ाने की है तो मेरे सभी के सभी जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं आपको मैं बताना चाहता हूं देखिए बेटा कि आज की हमारी जो क्लास है ना वो यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है सुनो ध्यान से वो YouTube पर भी लाइव है तो आज की क्लास बेटा हमारी डेमो क्लास है जो एप्लीकेशन के साथ साथ में YouTube पे भी लाइव रहने वाली है और आज देखिए बच्चे हम बहुत ही शानदार यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोशिका डेटिस सेल अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है देखिए साथियों हमने सारी की सारी जो ह्यूमन के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल सिस्टम वो पढ़ लिए थे मतलब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया प्रज देखिए पाचन तंत्र पढ़ा दिया रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा दिया है तंत्र पढ़ा दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया लगभग

तुम्हारा साइंस का सिलेबस मैं बहुत अच्छी तरह से पूरा करा दूंगा और से पूरा नहीं कराऊंगा इतनी कतई जहर तरीके से इतना डीपली पढ़ा चुका हूं तो कि अब तुम्हारे यहां पे मार्क्स नहीं कटने वाले गारंटी है ठीक है तो पहले पढ़ ले अब बताओ जल्दी से तैयार हो सबके सब अब पहले एक घंटा पढ़ते आराम से एक घंटा पढ़ने के बाद देखिए बच्चे आपसे मैं पूरी की पूरी बातचीत करूंगा क्लियर है सारी बातें चलो तैयार जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार है इस बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास के लिए टेंशन मत लो बेटा सब जानकारी मिलने वाली हम यूट्यूब पर आएंगे यूट्यूब पर सब बताने वाले हैं कि, कि कितना नोटिफिकेशन है कितना टाइप मिलेगा आपको कितना एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला हम लोग क्या करने वाले हैं आपके बड़े भाई क्या करने वाले हैं टेंशन मत लो सब तैयार हो जाएंगे लेकिन सबसे मेन मुद्दा क्या है पढ़ाई करना तो बिना पढ़ाई के तो बेटा सिलेक्शन होगा नहीं ये बात आप भी जानते हो तो अब यहां पे जिस का तुम्हें होना चाहिए, वो जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत में लग जाओ और बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करो चलो तो जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर क्या तैयार हो साथ शानदार इस शानदार्ट के लिए बेटा क्लास तो रेगुलर ही है आते रेगुलर लायक हो तुम सबके सब ठीक है क्लास तो बेटा रेगुलर है ही है नहीं नहीं आज की क्लास बेटा यूट्यूब पे रहेगी क्योंकि एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्लास 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 है 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 की डेमो क्लास है जो पे आज चला दी गई बेसिकली ये बच्चे कौन सी एप्लीकेशन वाली क्लास है मैं पहली बता रहा हूँ आज की क्लास थोड़ी सी एप्लीकेशन पे रहने वाली है चलिए भैया ओके ओके ठीक सम... है मैं समझ गया क्या हड़बड़ाहट छोट रही है वहां मजा आ रहा है देखिए मुझे तो आज चलिए साथियों शुरू करें फिर बहुत बढ़िया देखो तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं देखिए साथियों कि आपके पास में यहां पे है इंडिया की बेस्ट टीम सुनो ध्यान से तो आपको मैं बता दूं बेटा देखिए आपके पास इंडिया की बेस्ट टीम है जहां पे आपको आकाश सर बहुत ही शानदार यहां पे कतेज तरीके से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आप साहिल सर को जानते हैं जिन्होंने आपके लिए मैथ्स को इतना आसान कर दिया है और तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें तो बहुत बढ़िया तरीके से जीके जीएस पढ़ा रहा है टेंशन मत लो इसके बारे में ठीक है चलो तो हम यहाँ पे इंडिया की बेस्ट टीम से मिल रहे हैं आप लोग और यकीन मानना चाहती हूँ कि हम तीन है और तीन ही काफी है आपके सभी सिलेक्शन के लिए ठीक है और मैं आपको देखो पहले बता चुका था स्टार्टिंग से चला रहे थे हम लोग स्टार्टिंग से कह रहे थे कि भैया वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी और सही टाइम पे पढ़ो और आई वैकेंसी तो अभी भी बेटा मौका है कि अभी तुरंत के तुरंत आरआरबी बैच को ज्वाइन कर लो जहां पर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है सबसे बेस्ट यहां पे मटेरियल के हिसाब में तो आप यहां पे बैच को ज्वाइन कर लो आपकी एल के

तो प्रत्येक जीव का निर्माण जिन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है उसे हम क्या बोलते हैं कोशिका बोलते हैं अब ये कण मतलब ये कैसे होते हैं जैविक होते हैं अजैविक होते हैं दीज आर लिविंग्स और दीज आर नॉन लिविंग्स तो बेटा ये सारे के सारे जो कैसे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब इन सब में जीवन होता है मतलब हमारे जीवन की शुरुआत के पीछे जो सबसे छोटे कण होते हैं वो कौन से होते हैं कोशिका होते हैं तो कोशिका की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर यहां पे रचनात्मक मतलब हमारे शरीर की रचना करने वाले किसी भी बॉडी की रचना करने वाले किसी भी बॉडी के अंदर बेटा कार्यात्मक मतलब यहाँ पे कार्य करने वाले और साथ ही साथ बेसिक जो संरचना होती है जो मूलभूत इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है बेटा कोशिका कहा जाता है भैया कोशिका दिखती कैसी है आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं देखिए मान मान लो माने लो कि तुम्हें बेटा दीवार बनानी है बहुत बड़ी सुनना जो मैं कह रहा हूं छोटा सा पॉइंट है कि मान लो तुम्हें एक दीवार बनानी है की अब ये ये बात है कि ये जो दीवार है वो एकदम से बनेगी नहीं तो दीवार के निर्माण के लिए तुम्हें छोटे 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 ईंटों कर का निर्माण करना पड़ेगा ईंटों से दीवार बनेगी अब देखिए हुआ क्या कि इतनी बड़ी जो दीवार बनती है द वॉल जो बनती है वो छोटी छोटी ईटों से बनती है तो मान लो भैया कि अगर दीवार तुम्हारा बॉडी है तुम्हारी शरीर है तो इस दीवार का निर्माण छोटे 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 ईंटों से हुआ है बोलो हाँ भैया सही बात है तो इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे ईंटों से हुआ है बस अंतर यह है कि यहाँ पे जो ईंटे हैं साथियों यहाँ पे जो ब्रिक्स होती हैं वो तुम्हें तो दिखाई दे रही है और हमारे शरीर की कोशिका इतनी ज्यादा छोटी होती है इतनी ज्यादा छोटी होती है कि हमें दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो निर्माण है ये हमारी बॉडी का जो निर्माण है किसी भी बॉडी का निर्माण जिसमें जीवन है जिसमें जीवन है चाहे वो पशु हो चाहे वो यहाँ पे प्लांट हो मतलब यहाँ पे पशु हो एनिमल हो चाहे पेड़ पौधे हो अच्छा भैया फॉर एग्जांपल ये, ये बोतल है आपने कि ये बोतल भी तो यहाँ पे कोशिका से बनेगी ना 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 ये बोतल कोशिका से नहीं बनेगी ये बोतल बेटा बनेगी परमाणु से परमाणु मतलब ये बनेगी एटम से भैया ऐसा क्यों है मैंने एक शब्द यहाँ पे कहा है साथियों जिसे बोलते हैं जैविक जैविक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ये बोतल यहाँ पे है तो पदार्थ सिंपल सी बात है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ये अजैविक पदार्थ है तो अजैविक पदार्थ का निर्माण भी छोटे छोटे कणों से होता है लेकिन उन्हें हम क्या बोलते हैं परमाणु इन्हें बोलते हैं एटम्स तो भैया कोशिका और परमाणु एक होते हैं अलग अलग होते हैं अलग अलग होते हैं हमारे शरीर में बेटा परमाणु नहीं पाए जाते हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है जबकि जो अजैविक पदार्थ होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनमें परमाणु पाए जाते हैं भैया एग्जाम्पल बताओ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ

तो नॉन लिविंग के अंदर यहां पे क्या पाया जाता है देखिए परमाणु पाए जाते हैं क्लियर की सारी बातें गलती मत करना तो हम जब बात करेंगे तो ये जो कोशिकाएं बेटा मिलती है तो कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है तो कोशिका साथियों जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो मैंने छोटा सा कंसेप्ट है ये फिरते ही आपको बता दिया है भैया आप तो चलते फिरते फिरतेडिया अरे क्या बात है आकाश बस ऐसे कमेंट कर दे दिल खुश हो जाता तो मेरा बस तू बात दिल पे दे दी मेरे यार एक नालायक है यहां पर पता नहीं कौन है ये नाम ले लूंगा उसका मैं उसने बेटा लिविंग की ना और लिविंग की एक स्पेलिंग लिखी है और ये स्पेलिंग बड़ी मजेदार है बताओ क्या लिखी उसने उसने बेटा लिखी लिविंग बेटा ये कौन सा तुम्हारा लिविंग है बताना जरा इसका मतलब है छोड़ना किसकी याद आ रही बेटा तुझे हाँ नालायक पढ़े हो जल्दी से देखो ध्यान से बच्चे तो हम जब बात करेंगे तो मेरा इतना छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया कि अगर आप दीवार का निर्माण करते हैं तो इस दीवार के निर्माण में आपको छोटी 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 ईंटों का यूज़ करना पड़ेगा तो वो छोटी छोटी ईंटें हमारे शरीर के अंदर भी हैं तो हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है एक बार बताओ छोटा सा फण देखिए अगर मान लो बेटा ये दीवार यहाँ पे देखो ये दीवार अगर मान लो ये सॉरी ये ईंटें अगर ये ईंटें कमजोर होंगी तो ये दीवार कैसे होगी मजबूत होगी कमजोर होगी भैया सिंपल सी बात है अगर ईंटे यहाँ पे कमजोर है तो दीवार भी कमजोर होगी सिंपल सी बात है बहुत बढ़िया अगर मान लो भैया कि ईंटे यहाँ पे कैसी खोखली है मतलब ज़्यादा खोखली है मतलब पोरस है इनके आर पर थोड़ी बहुत पानी चली जाती है तो दीवार भी कैसी बनेगी खोखली सी बनेगी जिसके आर पर पानी चला जाएगा अगर ये दीवार बहुत मजबूत है तो सिंपल सी बात है अगर ये ईंटे बहुत मजबूत है तो भैया हमारी दीवार कैसे बनेगी मजबूत बनेगी स्ट्रांग बनेगी इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की संरचना वैसी ही बनती है जैसी हमारी कोशिकाएं होती हैं तो जिस तरह की हमारी कोशिका का आधार होता है जैसा स्वरूप होता है जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से देखिए साथियों हमारी बॉडी का निर्माण होता है तभी तो मैं ये कहता हूं कि यहां पे जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है तो सेल्स आर ये क्वेश्चन देखिए बेटा पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि सेल्स आर यहाँ पे ओरिजिनेटिव फंक्शनल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या इतनी बात क्लियर है बोलो हाँ ना क्या यहां तक की बातें पूरी चमकी है जल्दी बताओ सबके सब कमेंट के अंदर दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से बच्चे अच्छा एक बात और सुन लो सबके सब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सब चीजें ऐसी पढ़ा रहा हूँ बेटा रुक जाओ अभी धीरे धीरे जो लेवल बढ़ेगा ना हमारा बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं पता है और मैं पहले क्लिक कर दूंगा इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको ये पता चलेगा साथियों पता चलेगा आपको कि यहाँ पे कितना कुछ है जो नया आपको जानने को सीखने को मिलने वाला है देखो ध्यान से अब हम जब बात करते हैं बेटा कोशिका के अध्ययन के बारे में मतलब द स्टडी ऑफ द सेल तो कोशिका का जो अध्ययन होता है बच्चे उसमें क्या बोलते हैं साइटोलॉजी क्या बोलते हैं साइटोलॉजी बेटा साइकोलॉजी नहीं है साइटोलॉजी है द स्टडी ऑफ दी सेल्स इज नोन टू बी एस क्या बोलते हैं साइटोलॉजी क्या बोलते हैं साइटोलॉजी तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है साइटोलॉजी कहते हैं ये फैक्ट आप यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा क्लियर सारी बातें चलो क्लियर सारी बातें चलो बहुत बढ़िया देखो अब हम जब बात करेंगे बेटा छोटी सी बात है अब ये बताओ सर ये बताओ छोटा सा पॉइंट है सर ये हमारे शरीर में एक ही कोशिका बनती है बहुत सारी कोशिका होती है बेटा एक बात बताओ आपका इतना बड़ा शरीर है क्या वो एक कोशिका से बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये इतनी बड़ी दीवार एक सिंगल ईंट से बन पाएगी नहीं बन पाएगी तो ईंट के निर्माण के लिए या इस दीवार के निर्माण के लिए बहुत सारी ईंटें चाहिए सिंपल सी बात भी है भैया तो हम जब बात करते हैं लेकिन हमारी ईंटों में उस दीवार में और हमारे शरीर में एक अंतर होता है आप ये नोटिस करते होंगे कि हमारे शरीर पे अगर कोई चोट लगती है जाती हो तो वो चोट ऑटोमेटिकली भर जाती है बोलो हाँ ना कुछ समय के बाद लॉजिक समय में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं अगर आपको कोई चोट लगती है ना जाने तुम्हें तो से कितने सारे आशिक होंगे होता नहीं है वो सर वो थोड़ा छोड़ के चली गई है मुझे अब ऐसे में लोग दो, दो बनते हैं या तो आई एस आई आई पी एस बनते हैं या फिर ब्रेड लेते हैं और चीरा लगा लेते हैं समझ लो जो मैं कह रहा हूं तुम्हारी बात को हाँ अगर मान लो भैया फॉर एग्जाम्पल तुमने चीरा वीरा लगा दिया तो पहली बात तो खून बहेगा बहुत ज्यादा और जो बाप कूटेगा वो अलग कूटेगा तुम्हें अगर तुम बच गए गलती से तो जो जख्म दिए उसने तुम्हें वो कुछ समय के बाद भर जाएंगे ऑटोमेटिकली है ना अभी जो जख्म भरेंगे वो कैसे भरेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बैठे एक एक क्षमता होती है जिसे हम क्या बोलते हैं सिंपल सी भाषा में रिप्रोड्यूस बोलते हैं क्या पुनर्जन या हम बोलते हैं यहां पे प्रजनन की क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारे जो घाव होते हैं बेटे वो धीरे धीरे भर जाते हैं तो हमारी कोशिकाओं के अंदर क्षमता होती है किसकी प्रजनन की मतलब रिप्रोड्यूस करने की रिप्रोडक्शन करने की तो ये जो क्षमता होती है वो कैसे होती है ऑटोमेटिकली होती है मतलब वो ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं एक दूसरे को बनाते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बेटा जो पाए जाने वाली यहाँ पे कोशिका होती है उनमें बेटा कौन सी क्षमता होती रहती है स्वतः जनन की कोशिका होती है और स्वतः जनन से वो नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल की एक ही कोशिका होती एक ही कोशिका होती तो बेटा अगर आपको कभी घाव लग जाता ना

कि हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका नहीं होती है बहुत सारी कोशिका होती है अब ये बताओ छोटा सा पॉइंट है तुम्हारी आंख और तुम्हारे कान दोनों एक हैं अलग अलग हैं। सर अलग अलग हैं। क्या तुम्हारी आंखें वही करती है जो तुम्हारे कान करते हैं नहीं करते ये बताओ तुम्हारी जुबान में यह हम जब बात करते हैं तो तुम्हारे रक्त के अंदर होने वाली गतिविधियां और तुम्हारे दिमाग में चलने वाली गतिविधियां एक है अलग अलग है अलग अलग है इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर हर चीज का निर्माण अलग अलग कोशिकाओं से होता है जैसे हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका बेटा हमारी त्वचा में पाई जाने वाली कोशिकाओं से अलग होंगी बोलो हां या ना इसी प्रकार से हमारे रक्त में पाए जाने वाली कोशिका हमारी हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिका से अलग होंगी मतलब ये है सर कि हमारे शरीर में एक कोशिका नहीं होती है हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है और इसलिए हमारे जो शरीर है वो कैसा है यहाँ पे होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है यहाँ पे एक समांगी है या विषमांगी है तो बेटा आंसर है विषमांगी है विषमांगी मतलब हेटेरोजीनस है सर ये क्या डेमो क्लास चल रही है बेटा पता नहीं डेमो क्लास है कि नहीं लेकिन मुझे पता है कि आज ये क्लास सबके लिए फ्री है तो डेमो क्लास ही मान लो ओह क्या बात कर दी मतलब तुम मेरा डेमो ले हो भाई साहब आजकल बच्चे टीचर्स का डेमो लेते हैं किस्मत अब ये कलयुग है घोर कलयुग है तो कलयुग चल रहा है कलयुग चलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या पाए जाते हैं धीरे धीरे पढ़ेंगे तुम कहा आगे चल रहे हो बेटा सुनो ध्यान से मैं पहले क्लिक कर दू देखो मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ ठीक है आपको पढ़ना है हर चीज मैं पढ़ा दूंगा टेंशन मत लो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लो छोटा सा पॉइंट है कि मैंने इससे पहले बेटा प्रजनन तंत्र खत्म किया अभी कल ही खत्म किया मैंने इससे पहले वाली क्लास में वो तेरह क्लासेस में बारह नहीं ग्यारह क्लासेस में खत्म किया इलेवन लेक्चर्स में तो मैंने इंसानों के पैदा होने की सारी की सारी गतिविधियां बताई डिटेल से जितना तुम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा डिटेल से बताया तुम्हारी सारी की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी क्लास में आओ पढ़ो आराम से मना किसने किया बैठ के पढ़ो भैया चलो अब जरा यहां पे देख लो बेटा ये एप्लीकेशन क्लास चल रही है चलो अब जरा यहां पे देखिए ना से देखो ध्यान से बच्चे तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे शरीर की हम जब बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बेटा एक कोशिका नहीं होती है हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे बहुत सारी कोशिका है जो मिलने वाली जैसे मसल सेल्स अलग मिलती है हमारे शरीर के अंदर की बच्चे जो यहाँ पे प्रजनन कोशिका होती है वो अलग होती हैं हमारे शरीर के अंदर बेटा रक्त में पाए जाने वाली कोशिकाएं अलग होती है तो बहुत सारी सारी यहाँ पे क्या होती है बेटा कोशिकाएं पाई जाती हैं ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा अब मुद्दा ये बनता है ऐसा कि ये जो कोशिका शब्द है लिया कहाँ से गया देखिए अब मैं छोटी सी बात पर बताता हूँ फिर आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पर जहाँ पे जहां दिक्कत आएगी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखिए हम जब कोशिका वाले शब्द की बेटा बात करते हैं तो अंग्रेजी में जो शब्द है सेल जिसे हम बोलते हैं सेल अब बेटा समस्या ये है कि सेल का मतलब ही बहुत सारा अलग अलग होता है मतलब फॉर एग्जांपल हमारी हिस्ट्री देखिए हमारे साइंस से लेके हमारे हर जगह पर सेल का मतलब अलग-अलग है केमिस्ट्री में आ जाओगे के, तो केमिस्ट्री में बेटा सेल का मतलब होता है बैटरी से ठीक है अगर आप इंग्लिश में आ जाओगे तो इंग्लिश में बेटा सेल का मतलब होता है जेल से तो उसे सेल में डाल दो सेल में डाल दो सेल मतलब जेल में डाल दो, मतलब दो. इतिहास में सेल का मतलब जेल रखा गया है सेलुलर जेल तो आपने नाम पढ़ा होगा तो सेल के मतलब बहुत अलग तो अलग होते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो सेल का मतलब यहाँ पे होता है छोटा सा कमरा तो ये माना जाता है कि हमारी कोशिकाएं बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं बहुत ही ज्यादा सूक्ष्मदर्शी होती हैं मतलब इट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप आप इसे नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सूक्ष्म दर्शी की सहायता से ही देखा जाएगा मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से ही यहाँ पे देखा जाएगा अब एक बच्चा बोला सर सेल का मतलब होता है सेल करना बेटा सुनो ध्यान से मैं बता दो मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है सुनो ध्यान से

नालायकों देखो ध्यान से सब के सब तो मैंने ये छोटा सा पॉइंट है जो बता दिया देखिए बच्चे आपको यहां पे कि अंग्रेजी का जो सेल शब्द इट वाज टेकन फ्रॉम दी लैटिन शब्द तो यहां पे लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है सेलुला क्या नाम है सेलुला ये फैक्ट आप यहां पे समझिएगा तो सेलुला शब्द से देखिए बच्चे इस शब्द को यहां पर लिया गया है, जो लैटिन भाषा के शब्द से यहां पर लिया गया क्लियर सारी बात नहीं चलो अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर सर डिस्कवर हु कोशिका मुद्दा यह बन जाता है कि सर यहां जो खोज, की की खोज यहां की, की, की खोज है, यहाँ पे की है। सबसे बड़े मुद्दे अब आपको बताओ देखिए बच्चे यहां पे वैज्ञानिक है हमारे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक अब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले यहां पे डिस्कवरी की है किसकी बेटा सेल की डिस्कवरी की है तो यहां छोटा सा पॉइंट है जो यहां पे लिख रहा हूं देखिए बच्चे सुनो आपसे क्वेश्चन जाए कि सर किसके

देखिये बेटा कैसे क्वेश्चन बनता सर कैसे हुई थी कैसे मतलब हाउ ठीक है चलो हम तीन शब्द पे देखिए बेटा फोकस करते हैं सुनो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सर कि डिस्कवरी ऑफ द सेल यहाँ पे किसके द्वारा की जा रही है मैन हु डिस्कवर दी सेल ये छोटा सा पॉइंट है फिर भाई कब की थी और किस तरह से की थी फैक्ट आपसे पूछेंगे ठीक है चलो तीन चीजें हैं तीन चीजें जरा समझते देखिए सबसे पहले बड़े डिस्कवरी ऑफ सेल करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे रॉबर्ट हुक थे देखिए तो यहाँ पे वैज्ञानिक है साथियों जिनका नाम है क्या देखिए रॉबर्ट हुक और इनको ही कहा जाता है देखिए क्या तो द फादर ऑफ दॉजी मतलब ये वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा है अच्छा उन्होंने कौन सी कोशिका खोजी थी बेटा यहाँ पे यहाँ पे जीवित कोशिका मृत कोशिका देखिए तो इनके द्वारा सबसे पहले बच्चे यहाँ पे मृत कोशिका को खोजा गया ये फैक्ट भी आपसे पूछेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बेटा यहाँ पे कौन सी खोजका निकाली है तो यहाँ पे मृत कोशिका को खोजा है मतलब यहाँ पे डेथ सेल को उन्होंने सबसे पहले खोजा हुआ था भैया कब खोजा था ये बता दीजिए तो उन्होंने खोजा था यहाँ पे एक वर्ष बेटा

लकड़ी के ढक्कन बनाए जाते थे लकड़ी मतलब होता ना कि लकड़ी लिया है लकड़ी को घिस दिया और ढक्कन के का बना दिया और उसको फिर ऐसा ठोक ठोक के ठोक ठोक के ढक्कन बंद कर दिया आज भी यदि आप शैंपेन पीते हैं महंगी चीज होती है अगर आप कभी अधिकारी बन जाएंगे तो पिएगा शैम्पेन पी वो देखा तुमने तो जब भी ऐसे हिला के बुर्र कर देते हैं वो शैंपेन होती है तो शैंपेन जब पीते हैं तो शैम्पन के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है ना बच्चे वो इसी कॉर्क का बना रहता है तो आपको बताना चाहता हूं देखिए बच्चे यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉर्क क्या बोलते रहे तुम तो लोग पढ़ लो सबके सब नालायक देखो ध्यान से तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या रह पे काक रहता है और ये देखिए बच्चे किसका बनता है तो ये बनता है वुडन कॉक किसका बनता है वुडन कॉक बनता है तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया बेटा माइक्रोस्कोप लिया देखो ध्यान से एक माइक्रोस्कोप लिया और इस माइक्रोस्कोप के अंदर इस कॉर्क का अध्ययन किया मतलब हम जब बात करेंगे तो यहां पे रॉबर्ट हुक आते हैं रॉबर्ट हुक ने क्या किया भैया इस कॉर्क का अध्ययन किया और इस कॉर्क के अध्ययन के बाद देखिए बच्चे उन्हें कुछ ऐसी यहां पे कोशिका है जो नजर आई देखिए इस प्रकार की जो संरचना है वो नजर आई तो उन्होंने देखा कि यहां पे कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है ये जो संरचना आपको बेटा नजर आ रही है कैसे नजर आ रही है जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं बोलो हाँ है है ना तो मधुमक्खी के छत्ते बनते हैं तो ये जो संरचना थी बच्चे कैसी थी तो ये संरचना देखिए बेटा बनी है हनी बी स्ट्रक्चर कैसा बना हनी बी स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसकी जैसी संरचना आपको नजर आई तो सबसे पहले यहां पे जॉन डाल्टन के द्वारा या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा बेटा जॉन डाल्टन नहीं है जॉन डाल्टन का संबंध तो किसो का परमाणु से होगा मैं परमाणु की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा करूँ इसकी

सुनो ध्यान से और इनकी बहुत ही फेमस यहां पे किताब है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया तो इस बात का डिस्क्रिप्शन इन्होंने किसमें किया है तो इस बात का बड़ा डिस्क्रिप्शन इन्होंने किया है अपनी किताब के अंदर और इस किताब का देखिए बच्चे नाम है जिसका नाम क्या है माइक्रोग्राफिया तो ये छोटा सा आपसे एग्जामिनेशन में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर इस बात का जो डिस्क्रिप्शन है इस बात का जो वर्णन है वो कहां पे देखने को मिलता है तो इस बात का बेटा जो वर्णन देखने को मिलता है वो मिलता है है कि किताब में जिसका नाम माइक्रोग्राफिया जो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी जा रही है तो वो यहां पे लिखी जा रही है रॉबर्ट हुक के द्वारा ये फैक्ट आपसे पूछेंगे तो पहला क्वेश्चन बनता है सर कि यहाँ पे मृत कोश का की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे रॉबर्ट हुक थे बिल्कुल सही बात है अगर हमसे पूछा जाए बेटा था फादर

और उन्हें यहां पे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना नजर आती है और वहीं से उन्होंने क्या कर दिया मृत खोज करके खोज कर दी है अच्छा कब की थी इस बात बात को पूछेंगे आपसे तो तो कब की भी है? तो की उन्होंने थी यहाँ पे पैंसठ में लॉजिक जल्दी बताओ सबके मुझे के अंदर क्लियर है सारी बातें और हम जब बात करते हैं क्या कहा जाता है बच्चे तो इन्हें यहां पे कहते हैं द फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या बोलते हैं द फादर ऑफ दी साइटोलॉजी कहते हैं सुनो तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन के अंदर कि भैया इन्हें क्या कहा जाता है तो इनको देखिए बच्चे बोलते हैं द फादर ऑफ दलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान का जनक यहां तक की सारी बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं जल्दी बताओ सबके सब, सब। कोशिका विज्ञान का जनक मैंने तीन बातें बताई बाते है तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी जो बेटा अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछूंगा ना तुमसे मुझे पता उसका आंसर नहीं तुम नहीं देने वाले सबके सब, के सब। जल्दी बताइए यहां तक की बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं अरे बोलो नालायक बहुत ही शानदार भैया जी क्या बात है यस बेटा मैं देखो अभी भी बिहार कह रहा हूं कि अभी भी लग जाओ तैयारी में तुम्हारा भाई तो मैं बहुत डिटेल से हर चीज़ पढ़ाने वाला है एप्लीकेशन में देख मेरा बायोलॉजी लगभग लग लगभग लग खत्म हो जाएगी हमारी टेंशन मतलब एग्जाम से पहले मैं तुम्हारी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा बहुत डिटेल से मतलब समझ लो ऐसे वैसे नहीं पढ़ रहे हम लोग ऐसे वैसे नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो दम से पढ़ेंगे दम से पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि आपको सारी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी टेंशन मत लीजिए जगह क्लियर है सारी बातें चलो ओके चलो अब नेक्स्ट पॉइंट को देखो ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है छोटा सा पॉइंट देखिए ध्यान से तो ये तो बेटा हमने बात की किसके बारे में देखिए रॉबर्ट हुक के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवरी करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे रॉबर्ट हुक थे लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा वो नहीं बनता मेन मुद्दा बनता है ऐसा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की है तो सबसे पहले बेटा जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एंटोनियो वॉन ल्यूवन और ये वैज्ञानिक बड़े कमाल के हैं ऐसा बहुत बड़े कमाल के हैं जरा समझिए छोटा सा पॉइंट है देखो एक बच्चा नजर दे रहा है मुझे वो बोल रहा है सर भैया बहुत स्मार्ट लग रहे हैं तुझे क्या बात है शादीवादी कराने की क्या मेरी पता जरा कोई है तो बता बेटा मैं क्या करूं शादीशुदा व्यक्ति हूँ तुझे मेरे चेहरे से नजर नहीं आता हां मजे ले रहा तो मेरे पढ़ ले यहाँ पे आराम से पहले सब के सब देखो ध्यान से बच्चे हम जब बात करेंगे इस छोटे से कांसेप्ट के बारे में तो यहाँ पे मुद्दा ये बन जाता है कि छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे सारा समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज यहाँ पे किसके द्वारा की जा रही है तो बेटा जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो पहले व्यक्ति है वो कौन है एंथोनियो लीवन है तो क्वेश्चन बनता है भैया कि सबसे पहले कोशिका किसने खोजी है तो सबसे पहले कोशिका यहां पे खोजी है किसने यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा सिंपल सी बात है लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई मतलब लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई है तो लिविंग सेल की बेटा खोज यहां पे की जा रही है किसके द्वारा एंतोनियो लिवन के द्वारा और इन्होंने भी देखिए बेटा सूक्ष्म दर्शी की सहायता से मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी खोज की थी कब की थी भैया सोलह में सिक्सटीन में तो सोलह में इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की सहायता से लिविंग सेल

जरा यहाँ पे देखिए सबके सब आप देखते हैं भैया है कि यहाँ पे हमारी शैवाल जम जाती है शैवाल को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चे तो शैवाल को देखिए बेटा सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं एलगी बोलते हैं और इसी एल्गी के अंदर ये देखिए बच्चे काई है दिखाई दे रही है काई आपको काई बेटा काई अच्छा एक चीज सुनो एक होती है काई ये एक होती है काई चटनी काई चटनी अलग है आजकल क्या है कि काई चटनी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है जीए टेक मिला उसको आपको बता दो कि उड़ीसा में बेटा मयूरभंज है है ना जगह मिलती है वहां के क्या करते हैं लोग लाल चीटियों को पका कर खा जाते हैं और बड़ी सिलबट्टे पे पीस पीस कर पीस पीस कर चटनी बनाते हैं उसे बोलते हैं काई चटनी बेटा वो काई चटनी अलग होती है और ये काई अलग है तो दोनों को हम हिंदी में काई ही बोलते हैं काई ही बोलते हैं लेकिन वो अलग है वो चटनी बनती है किसे रेड एंड से

और उस शावा का नाम क्या है तो उस शावा का बेटा जो नाम है वो है ये खोज तो 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 की खोजी है किसने बच्चे तो आंसर है यहाँ पर किसने की है एंतोनियोल हॉक ने अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा एंतोनियोलहॉक के बारे में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से गारंटी बताता हूँ सुनो हम जब बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे जीवाणुओं की खोज भी की है मतलब बैक्टीरिया की खोज भी की है और यही रीजन है कि एंतोनियो वॉन ल्यूवन हॉक को साथियों यहाँ पे कहा जाता है द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियाज अदर डिफरेंट पॉइंट बैक्टीरियाज अलग होते हैं जीवाणु अलग होते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल है सूक्ष्म जीवों में शामिल है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरिया है साथियों उसकी खोज भी यहाँ पे किसके द्वारा की जा रही है यहाँ पे एंथोनियो वॉन ल्यूवन हॉक के द्वारा की जा रही है एंतोनी वन लिवन कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि बहुत बहुत सारी डिस्कवरीज है जो उनके द्वारा की जा रही है अब मैं आपको बताऊंगा सारी सारी बातें टेंशन मत लीजिएगा अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सर इनकी किताब का नाम क्या है तो जैसे ग्राफ ये बेटा किताब थी यहां पे किसकी रॉबर्ट हुक की तो सिंपल सी बात है ये भी महान वैज्ञानिक थे तो इनकी भी किताब पूछेंगे आपसे तो इनकी किताब का जो नाम था बेटा वो था आर नेचर क्या नाम था आर नेचर भैया ये कैसा नाम हो गया एक्चुअल में देखा जाए बेटा तो ये जो भाषा है वो यूनानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है थोड़ा सा मैं लिख देता हूं देखिए तो इनकी बेटा यहाँ पे किताब का नाम था आर नेचर क्या नाम था आर नेचर तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है देखिए एग्जामिनेशन के अंदर कि आर का नेचर देखिए बेटा यहां पे क्या है तो नेचर बहुत ही फेमस यहाँ पे बुक है किसकी बुक है तो आंसर है एंथोनी वॉन लिवन हॉक की बुक है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और इस एंथोनी वॉन लिवन हॉक की बुक में इस बुक में साथियों बहुत सारी चीजों का वर्णन है जो किया गया मतलब इनके द्वारा जो बहुत सारी डिस्कवरीज की गई थी बहुत सारी जो खोजें की गई थी उनका वर्णन देखने को मिलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको देखिए बच्चे सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो इनके द्वारा खोजे जा रहे हैं जीवाणु इनके द्वारा खोजे जा रहे हैं बैक्टीरिया इनके द्वारा खोजे जा रहे हैं इसके अलावा हम देखिए जब बात करते हैं तो जो आर्का नेचर है आर्का नेचर जो किताब है इस किताब के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें खोजी थी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना ब्लड जिसे रक्त बोलते हैं तो रक्त भी बेटा देखिए किससे बनता है कोशिकाओं से बनता है जिसमें डब्लू होती है आरबीसी होती है तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी का जो वर्णन है जो डिस्क्रिप्शन है वो इस किताब में देखने को मिलता है सुनो ध्यान से जो मतलब अपने समय में ही इन वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब खोजा खोज साथ गया है।, WBC के बहुत सारी यहां पे खोजी है हम जब बात करते हैं के बारे, फंगाय अंदर यहां पे वाली कैटेगरी ईस्ट बोलते हैं तो ईस्ट की जो कोशिका होती है वो भी इनके द्वारा खोजी जा रही

तब जाके वहां के वैज्ञानिकों ने इतनी सारी डिस्कवरीज कर दी थी आजकल इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन क्या करते हैं हल्ला हु हल्ला हु समझो ध्यान से मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि सोचो कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाई का इस्तेमाल सही जगह पे करें तो कितनी विशाल खोजें हैं कितनी महान खोजें जो आपके द्वारा की जा सकती है सर खोज तो हम भी करते हैं क्या करते हैं सर आज मैंने नई टपरी खोजी है टपरी जानते हो

कोशिका बेटा कहां से खोज गई है समुद्र के पानी से नदी के पानी से या फिर यहाँ पे तालाब के पानी से तालाब के पानी से ये फैक्ट भी यहाँ पे समझेगा। क्वेश्चन बनता है सर कि यहाँ पे उनकी जो किताब है आर्क का नेचर इस आर्क का नेचर के अंदर यहाँ पे किस-किस कोशिकाओं का को वर्णन देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी का है आरबीसी का है ईस्ट ईस्ट की कोशिकाओं का है शुक्राणु की कोशिकाओं का जिसको हम सिंपल सी भाषा में स्पर्म सेल बोलते हैं साथ ही साथ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का वर्णन भी देखने को मिलता है अब जल्दी से बताओ सबके साथ मुझे कॉमेंट के अंदर अभी तक कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला जल्दी बताओ सबके साथ मुझे कॉमेंट के अंदर बेटा कितना कुछ नया सीखने को मिला है मैं बस ये बताना चाहता हूं आपको कि आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा जहां से भी पढ़ा होगा मैं ये नहीं बोलता कि कभी नहीं पढ़ा आप लोग बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा अब जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं गारंटी से बोल सकता हूं भैया आप इसका आंसर मुझे नहीं देने वाले मैं शर्त लगा सकता हूं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जल्दी से बताओ सबके सर तैयार हो मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जरा मेरे YouTube वाले विद्यार्थियों से भी पूछना चाहूंगा आपसे जो मेरे YouTube वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ मेरे YouTube वाले स्टूडेंट्स में अब कॉमेंट कर दो सबके सब जो मेरे YouTube पे देख रहे हैं बेटा होता क्या ना मैं आपको पहले क्लिक कर रहा हूँ देखिए YouTube पर मैं ज़्यादा कमेंट देखता नहीं हूँ बताओ जल्दी से मैं कमेंट देख रहा हूँ YouTube वाले कि समय आए के लिए बेटा ये एप्लीकेशन क्लास हमारी ठीक है एप्लीकेशन क्लास चल रही है यूट्यूब पर लाइव है आज एक दो क्लास मैं लाइव चलाऊंगा टेंशन मत लो ठीक है आप लोग मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो भर्तियां आई है ए की घबराओ मत तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से होगा क्योंकि साइंस की वेटेज बहुत ज्यादा है एल में और साइंस इसी तरह से पढ़ने वाले हम लोग आपकी कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट केमिस्ट्री ये सब होने वाली एप्लीकेशन पे चल रही है लैब चल रही है आपके एग्जाम से पहले जबरदस्त तरीके से करा दूंगा बायोलॉजी में तो हम लगभग लब बोला आधा बायोलॉजी खत्म कर चुके हैं फिजिक्स हम शुरू कर चुके हैं केमिस्ट्री में जल्दी शुरू करने वाला हूँ

अगर हम बात करते हैं बच्चे ये तीन चार क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछने वाला हूं बताओ सबके सर सब। आंसर दो सबके सर सब। चलो भैया जल्दी से आंसर दो सबके सर सब। देखते हैं कितने बच्चे मेरे इसका आंसर दे पाते हैं देखिए अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है द फादर ऑफ दी माइक्रोबायोलॉजी अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में तो जैसा जैसा मैंने अभी आपको अभी अभी मैंने बताया आपको छोटा सा पॉइंट है कि बेटा फादर ऑफ माइक्रोब माइक्रोबायोलॉजी भी किसे कहेंगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया देखिए बच्चे ध्यान से कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कौन है एंटोनियो वॉन लिवन हॉक है कौन है लिवन हॉक है तो हम देखिए बेटा जब बात करते हैं तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा देखिए तो आंसर है लिवन हॉक क्या वहां पे लिवन हॉक हो जाएगा सिंपल सी बात है तो एंटोनियो वॉन लिवन हॉक यहाँ पे कौन है बच्चे तो आंसर है द द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होंगे सिंपल सी बात है इजी भैया द फादर ऑफ दॉजी बताइए भैया हमें पता है फादर ऑफ द साटोलॉजी और इसका आंसर यहां पे रॉबर्ट हुक होगा सिंपल सी बात है शाबाश बहुत बढ़िया चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से द फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इनकी फोटो आपको यहाँ पे नजर आ रही है भैया हम जब बात करते देखिए तो यहां पर ये यह जो वैज्ञानिक है ये माननीय रॉबर्ट होक जी है जिन्होंने सबसे पहले कोशका की खोज की है ये अंतोनियो व्यूवन है जिन्होंने बहुत सारी चीजें खोजी है फर्स्ट मैन जो यहां पे किसकी खोज करते हैं बच्चे तो आंसर लिविंग कोशिका की खोज करते हैं पता नहीं मुझे क्यों देख रहे हैं बार बार यहां पर ये व्यक्ति है साथियों जिन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ द मॉडर्न यहाँ पे साइटोलॉजी क्या किसी का आंसर आया मेरे पास में बच्चा कर लू सबके सब जल्दी से बताओ कॉमेंट के अंदर स्वानसन रॉबर्ट हुक अच्छा बेटा यूट्यूब पे तो किसी का नहीं आया लेकिन एप्लीकेशन भी एक दो तो विद्यार्थी मेरे जिन्होंने आंसर मुझे दे दिया देखो बेटा ध्यान से सुनो सबके सब देखो यहां पर जो हमारा सही आंसर देखिए बेटा होने वाला है वो होने वाला देखिए कार्ल पी स्वानसन क्या होने वाला है तो यहां पे देखिए हमारा जो आंसर है बच्चे वो है कार्ल पी स्वानसन द फादर ऑफ द फादर ऑफ दी बेटा यहां पे आधुनिक मॉडर्न जो साइटोलॉजी वो कौन है कार्ल पी स्वानसन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है द फादर ऑफ द इंडियन साइटोलॉजी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कोशिका विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं भारतीय कोश का विज्ञान के बेटा जनक किसे कहा जाता है तो भारतीय कोशिका विज्ञान के बेटा जनक है हमारे माननीय श्री पद्म भूषण मिल चुका इनको तो ए के शर्मा जी अरुण कुमार शर्मा जी तो यहाँ पे सही आंसर देखिए बच्चे क्या है ए के शर्मा इज द राइट आंसर अब जल्दी से बताओ सबके साथ सब मुझे कॉमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें बेटा चमकी है कि नहीं चमकी है एग्जामिनेशन बताओ जल्दी से मुझे कॉमेंट के अंदर कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए फादर ऑफ दी

जो और मेरे जो वाले बच्चे उनको को बताने की आवश्यकता नहीं कि भैया क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है उनके अंदर मैंने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया पढ़ा पढ़ा के वो जानते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन ना तो सिलेक्शन किसी का होने वाला भी नहीं है बताओ जल्दी से यहां तक सारी बातें क्लियर की नहीं है बेटा घमंड नहीं है ये आत्मविश्वास है बहुत छोटी सी लाइन होती है घमंड में आत्मविश्वास के अंदर बहुत छोटी सी घमंड होती है बहुत छोटी सी लाइन होती है लेकिन बेटा मैं जो बता रहा हूँ वो मैं आत्मविश्वास से बता रहा हूँ मेरे जो छोटे भाई बहन है उनका जो मेरे को आत्मविश्वास मिला ना वो मैं बता रहा हूँ ठीक है सारी सारी बातें, चलो चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है गलती मत अच्छी तरीके से तो यहां पे मैंने आपको बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बता दी है, जो है से, सुनो। अब हुआ क्या कि कोशिका के अंदर इतनी सारी खोज करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कोशिका की खोज आगे बढ़ती है अब यहाँ पे दो वैज्ञानिक आते हैं एक ही समय की बात हम करने वाले हैं तो एक ही समय का यहां पे चल रहा है छोटा छोटा पॉइंट से सुनो देखिए यहां पे दो वैज्ञानिक है साथियों और दो वैज्ञानिकों के नाम पूछेंगे तो पहले है मैथियास जैकब यहां पे स्लाइडन क्या ना स्ला, है स्लाइडन है और दूसरे देखिए बच्चे यहाँ पे वैज्ञानिक है जिनका नाम है देखिए बेटा यहाँ पे टी स्वान क्या नाम है टी स्वाण जिनको हम सिंपल सी भाषा में थियोडोर स्वाण कहते हैं अब यहाँ पे दो वैज्ञानिक आते हैं और दो वैज्ञानिक पे सिद्धांत देते हैं एक थ्योरी देते हैं जिसे हम कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं अब इस कोशिका सिद्धांत में कहा क्या गया हम उसकी बात जरा समझेंगे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे जरा समझेगा बहुत ही अच्छी तरीके से सुनो तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं बेटा अठारह की बात हम करते हैं तो एटीन में यहाँ पे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जैकॉब स्लैडन तो जैकोब स्टैडन ये कहते हैं कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, मतलब थे और इन्होंने ये कहा कि सभी पादप कोशिकाओं से, मतलब से मिलकर बनती है जिन्हें क्या बोलते हैं पादप कोशिकाएं बोलते हैं सिंपल सी बात है इसके एक साल के बाद अठारह में यहाँ पे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बेटा थियोडोर स्वान ये कहते हैं कि प्राणी के अंदर जो जितने भी प्राणी बनते हैं मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स बनते हैं वो सारे के सारे अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनते हैं और इन टिश्यू का निर्माण भी छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है मतलब इन दोनों ने अल्टीमेटली एक ही बात कही कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो इनका निर्माण यहाँ पे कोशिकाओं से होगा और कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पे एक नई थ्योरी बनकर आती है और उस थ्योरी का जो नाम बनता है साथियों से बोलते हैं कोशिका सिद्धांत जिसको हम सिंपल सी भाषा में सेल थ्योरी बोलते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम जब बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले सबसे पहले दो वैज्ञानिक कौन से थे तो

जंतु होते हैं ना वो दो प्रकार के हो जाते हैं कौन कौन से भैया एक होते हैं हमारे एक कोश की और दूसरे कौन से होते हैं बहु कोश की है। तो हमारे दो प्रकार के जीव जंतु हैं जो यहाँ पे मिलने वाले हैं सिंगल सेलुलर और कौन से मल्टी सेलुलर बहुत बढ़िया बात कह दी दूसरा उन्होंने क्या दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब यहाँ पे नई कहती का जो निर्माण होता है नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुराने कोशिकाओं से होता है मतलब कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे ऑटो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है मतलब उनके अंदर यहाँ पे जो प्रजनन करने की क्षमता वो होती है स्वतः होती है इन्हें किसी भी पैर इन्हें किसी प्रकार की बेटा नर

कोशिकाएं इस प्रकार से काम कर सकती है लेकिन हम जब बात करेंगे तो कोशिकाओं के बारे में ये कहने वाले कि जो जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं, वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, ऐसा कहने वाले व्यक्ति यहाँ पे स्वान नहीं थे ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे यहाँ पे विर्चो, कौन थे विर्चो, ये मैं मतलब यहां पे कोशिका सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो नई कोशिकाएं बनती है ये पुरानी कोशिकाओं से बनती है ये सबसे पहले यहाँ पे स्लैडन ने नहीं बताया ये कोशिका सिद्धांत का हिस्सा जरूर है लेकिन इनके बारे में बताने वाले पहले स्लैडन नहीं थे इसके बताने वाले बच्चे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे यहाँ पे कौन तो वो थे यहाँ पे रूड ऑफ कौन थे और रूड ऑफ बिरचो ने भैया बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की खोज की जो हमें बीमार भी करते हैं और इन्हें भी कहा जाता है जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कभी बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ते समय आप कहा जाते हैं टेस्ट कराने जाते हैं कहा जाते हैं भैया नॉर्मल लेबोरेटरी पे पैथोलॉजी पे पैथोलॉजी पर तो पैथोलॉजी लैब का बेटा मतलब होता है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा उन छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया जाएगा जिससे आप बीमार पड़ते हैं तो ऐसे सूक्ष्म कण जो आपको बीमार करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है और पैथोजेंस के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले जो मुख्य वैज्ञानिक है वो कौन थे हमारे डॉक्टर रुडोल्फ विर्चो थे जिन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ दी पैथोलॉजी यहां तक की बातें पूरी क्लियर है तो हम जब बात करेंगे डॉक्टर रुडोल्फ विर्चो के बारे में तो ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोश सिद्धांत में बहुत सारे सुधार कर दिए इन्होंने कहा तुमने जो बातें कही बिल्कुल सही कही लेकिन जो पुरानी कोशिकाएं बनती हैं या जो नई कोशिकाएं बनती हैं ये पुरानी कोशिकाओं से बनती है मतलब पुरानी कोशिकाओं के सारे के सारे गुण नई कोशिका में आते हैं सेल डिवीजन के माध्यम से और ये कंसेप्ट को देने वाले पहले वैज्ञानिक बच्चे कौन से हैं तो आंसर रुडोल्फ विर्चो हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को पूरा कर दिया ही कंप्लीटेड द क्या सेल थ्योरी क्या यहां तक की बात पूरी क्लियर है गलती मत कीजिएगा वो सारी बातें यहां पे लिखी हुई है तो अकेले ये नहीं है अकेले ये नहीं है अकेले ये नहीं है ये नहीं है इनके साथ और भी वैज्ञानिक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रुडोल्फ रोडो है यहाँ पे जे जेई पुरजे जिन्होंने देखिये बेटा यहाँ पे खोज की है किसकी तो ये देखिए बेटा यहाँ पे खोज करते हैं किसकी साइटोप्लाज्म की नहीं साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा एक द्रव्य मिलता है जिसमें हम जीव द्रव्य बोलते हैं क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं क्या यहां तक की बात बेटा पूरी क्लियर हो गई है देखिए इसके अलावा देखिए बच्चे यहाँ पे वैज्ञानिक है नगेली जी और यहां पे कौन है वॉन मोल्क है तो इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर यहां कोशिका सिद्धांत में मतलब जो नई का निर्माण के अंदर से होता है छोटा सारे सारे हो सा पॉइंट में क्लिक कर ठीक है जो पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा एनसीआरटी की बेस पर बेटा सुनो मैं एक लाइन कहता हूं अब जो नए बच्चे हैं और जो मेरे यूट्यूब पर विद्यार्थी देख रहे हैं एक लाइन है मैं हमेशा कहता हूं एप्लीकेशन वाले बच्चों से भाई पे भरोसा रखो किसी महान वैज्ञानिक ने किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही थी क्या बात कही थी डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं तो चुपचाप पढ़ाने दो तुम्हारा भाई तुम्हें सिलेक्शन लेके दिलवाएगा टेंशन मत लो सब, सब जानते हैं लाइन को जितने भी मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं सब जानते हैं ठीक है अब जरा यहां पे देखो ध्यान से क्लियर सारी बात है गलती मत कीजिएगा तो मैंने छोटा सा पॉइंट है जो बता दिया तो यहाँ पे मैंने बताया कि किस प्रकार से बच्चे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे कोश का सिद्धांत से जो मॉडर्न चीजें होती है या मॉडर्न जो हमारी कोष का सिद्धांत है उनके तैयार हुई थी अब बेटा जाते जाते छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि समय हमारा हो चुका है हम फिर बातचीत कल की क्लास में डॉट और डिटेल से करने वाले देखिए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है उनको सुनिए ध्यान से क्वेश्चन ये बनता है कि, कि कोशिका का जो आकार होता है बेटा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है मतलब दीज आर सो स्मॉल कि इन्हें हम नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो इनको देखने के लिए बेटा हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है मतलब हमें सूक्ष्म की जरूरत पड़ती है लेकिन हम जब बात करेंगे तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहाँ पे सबसे छोटी जो कोशिका है सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल मिलती, मिलती है तो बेटा सप्टिक, की तो बारे में पी -पी मतलब क्या होता प्लूरल निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे टेंशन मत लीजिएगा तो पीपीएलओ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कोशिकाएं सबसे छोटी होती है तो सबसे छोटी कोशिकाओं में भी सबसे छोटी बेटा कोशिका किसकी है माइको प्लाज्मा की है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है सर कि यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है तो सबसे लंबी बेटा जो कोशिका पाई जाती है वो पाई जाती है नर्व सेल की जिसे हम सिंपल सी भाषा में तंत्रिका कोशिका कहते हैं ये सबसे बड़ी कोशिका नहीं है सबसे लंबी कोशिका बेटा बड़ी कोशिका में और लंबी कोशिका में अंतर होता है लेंथ की क्या होती है लंबी होती है लेकिन होती कैसी पतली सी होती है तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है नर्वस सिस्टम की तंत्रिका कोशिका है ऐसा कहा जाता है कि जिराफ जो हमारे हमारे आसपास पाए जाने वाले मैमल्स में से सबसे ऊंचे एनिमल्स में से

तो पुरुष में सबसे छोटी का सबसे छोटी कोशिका मिलती है शुक्राणु और महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका मिलती है जिसे बोलते हैं अंडाणु आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो बताना चाहता हूं ये बेटा हमारे गैमेट्स भी होते हैं जिनको हम सिंपल सी भाषा में युग्मक कहते हैं क्या बोलते हैं युग्मक कहते हैं मतलब इन्हीं के थ्रू हमारे शरीर के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहां पे होती है तो महिलाओं के शरीर के अंदर ही सबसे बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा जिसे ओवम कहते हैं क्या बोलते हैं ओवम कहते हैं और सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं बेटा स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं ये फैक्ट आप यहां पे समझिएगा ये सा, ये सारे सारे फैट मैंने बता दिए गलती मत करना सबसे बड़ी जो कोशिका बेटा मिलती है वो मिलती है ऑस्ट्रिश के अंडे में कहा मिलती है के अंडे में पाई जाती है ये भी आप समझ सकते हैं कि हमारे जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कहा मिलने वाली है ऑस्ट्रिश के अंडे में पाई जाने वाली है तो इस ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सेशन अब आप जल्दी से बताइए मुझे कॉमेंट के अंदर मजा आया कि नहीं आया तो कल देखिए बच्चे हम यहाँ पे कोशिका के

कि तुम्हारी इंडिया की सबसे बेस्ट टीम तुम्हारे साथ में तुम्हारे तीनों बड़े भाई बेटे तुम्हारे साथ रहने वाले देखो आकाश सर जैसी रीजनिंग तुम्हें कोई नहीं पढ़ाने वाला इनका भरोसा रखो मैं इनका खुद बहुत बड़ा फैन हो चुका हूं रीजनिंग के मामले में और जितना आसान साहिल सर ने मैथ्स को बना दिया शायद ही कोई व्यक्ति मैथ्स को इतना आसान कर सकता है बाकी तुम्हारा बड़ा भाई कलाकार है तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है टेंशन मत लो तुमने बहुत प्यार दिया अपने बड़े भाई को ऐसे ही बता रहा हूं यार मैं तुम्हारा ऋणी हूं ऋणी मतलब समझ लो कि तुम्हारा मैं यार एहसान कैसे चुकाऊंगा मतलब मैं सही बता रहा हूं मैं इस जन्म में ना धन्य होगी अपने छोटे भाई बहनों को पाके और जो मेरे जो मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं भाई साहब लव यू यार लव यू सही बता रहा हूँ कल तुमने जो वीडियोस दी ना मुझे बना बना के फेंक फेंक के जो तुमने लव यू मारा मुझे धन्यवाद उसके लिए यार सही बता रहा हूं ठीक है चलो और हाँ जो मेरे यूट्यूब वाले विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ टेंशन मतलब बेटा ध्यान से पढ़ो आराम से तुम्हारे तीनों भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं आराम से पढ़ और हाँ सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज रात को आठ बजे मैं फिजिक्स की एक डेमो क्लास लेके आ रहा हूँ ठीक है तो आज रात के आठ बजे बेटा मेरे डेमो क्लास होने वाले फिजिक्स की बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है टेंशन मत लीजिएगा बड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और मैं एक बहुत बढ़िया प्लानिंग लेके आने वाला यूट्यूब पर भी कि कैसे करें तैयारी किस तरह से करें किस तरह से पढ़ें कि आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो हम एनसीआरटी बेस को ही पढ़ने वाले हैं एनसीआरटी को ध्यान में रखते ही पढ़ेंगे देखिए बेटा आपको एप्लीकेशन क्लास को लाइव करने का रीजन क्या था ताकि तुम समझ पाओ कि हम एप्लीकेशन पर क्या पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं ऐसा नहीं कि हम आएंगे और यूट्यूब पे कुछ भी डेमो करके चले जाएंगे ना जो रियलिटी है वही पढ़ाने वाले हैं अब तुम्हें लगता है कि भैया बहुत बड़ा कंटेंट है बहुत बड़ा मजा आ रहा है तो चुपचाप सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करने के लिए बैच ले लो लगता है भैया नहीं मजा आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं जहां पर मजा आ रहा वहां पर जाओ लेकिन जाओ क्योंकि अब समय नहीं है सोचने का अब तो युद्ध का समय है और लग जाओ युद्ध की तैयारी में क्योंकि युद्ध की जो डेट है बेटा वो आ चुकी है चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे